चलो क्वेश्चन देखो, ये देखो इसके पहले ना जो क्वेश्चंस करवाई थी वो स्पेशल प्रॉब्लम्स मतलब एग्जांपल्स थे, ये प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स खुद आपके सॉल्व करने के लिए. देखो, एक कारखाने से 10 जनवरी को एक मशीन निर्गमित की गई. पूर्तिकर्ता ने बीजक में निम्नलिखित मदें चार्ज की. देखो ये एक्सपेंस वो उसमें क्या कर रहा है, चार्ज कर रहा है. फॉलोइंग आइटम्स एंड इनवॉइस, देखो ओरिजिनल प्राइस ऑफ मशीन, चलो साथ साथ बनाते जाओ. लिखो प्राइस वैल्यू ऑफ मशीन, मशीन का मूल्य. क्या है वैल्यू ऑफ मशीन, देखो 8,76,000 दिया है. फिर क्या दिया है सेकंड देखो, ऐड करेंगे इसमें. क्या ऐड करोगे सबसे पहले, पैकिंग डिजाइन ट्रांसपोर्टेशन या फिर फ्राइट. पैकिंग देखो कितना दिया है अमाउंट, 18,650. फिर 28,700. फिर 13,250. टोटल करो तीनों का. 936,600. क्या बोले, 9,36,600. ये हुआ, इन दोनों का टोटल करो. अरे इसका टोटल करने बोली थी चितेश, समझे इसका नहीं. 60,600 लिख लिया मैंने. देखो चलो क्या करते हैं इसके बाद, जीएसटी दे लगाने बोला है कितना परसेंट, देखो 12%. तो जीएसटी लगाओ. CGST और SGST 6% से लगा. बताओ CGST कितना होगा, 6%, 56,196 है. यस मैम. उसमें भी 56,196. टोटल करो 1,12,392. यही आ रहे. यस मैम. टोटल करो यार, निकल जाएगा तुम्हें तो. मैम 10,48,998. 992. माइक माइक म्यूट कर लो, किसी का माइक ऑन है, बैकग्राउंड नॉइज आ रहा किसी को डाउट है इस क्वेश्चन में?
चलो ये वाला सॉल्व करो आप लोग सब जल्दी से, मेरे को सॉल्यूशंस बताएंगे सब। ट्रांजेक्शन वैल्यू कितनी लिखी है आप लोगों ने? अठारह सौ इंटू 200 किया होगा अगर किसी ने। यस मैम। कितना आ रहा है 1800 × 200? 360,000। 360,000 आया। नेक्स्ट देखो इसमें क्या किया, ट्रांजेक्शन वैल्यू में ऐड किया क्या, प्रति पंखा पैकिंग में 120 रुपए मूल्य में शामिल, वो इंक्लूडेड है, ब्रैकेट में दिया है नहीं लेंगे, व्यापारिक बट्टा दिया है, बार्गेस्ट बीमा भाड़ा है ना, तो इंश्योरेंस और फ्राइट ले लो पहले, ऐड करने वाला इंश्योरेंस लिया ठीक, फिर क्या लिया फ्राइट लिया ठीक है, तो इंश्योरेंस का अमाउंट कितना दिया है देखो 1400, भाड़ा कितना दिया है 12600, टोटल करेंगे तीनों का मिला के कितना आएगा टोटल मैम? 374,000। 374,000 आया। फिर देखो लेस करेंगे डिस्काउंट, कितना परसेंट दिया है 5% है ना, 1800 रुपए पर 5%, मतलब एक पंखे पे कितना लग रहा है 5% 1800 पे, तो 1800 का 5% कितना होगा मैम? 90। और फैंस कितने हैं अपने पास? 200, तो टोटल हो गया 18,000। एंटर करेंगे, माइनस करेंगे इसमें से, तो आंसर आ जाएगा 356,000। एंटर किया, ये हो गया टैक्सेबल वैल्यू। तो देखो टैक्सेबल वैल्यू के बाद क्या लेते हैं अपन इस पे, जीएसटी पेबल टैक्सेबल टोटल अमाउंट ऑफ इनवॉइस पूछा है, तो चुपचाप ऐड करना जीएसटी पेबल कितना दिया है देखो 18% दिया है, तो कुछ भी नहीं दिया है कि अपने स्टेट का है कि दूसरे स्टेट का है, तो डायरेक्ट एसजीएसटी और सीजीएसटी भी डाल सकते हो या डायरेक्ट सिर्फ जीएसटी भी कैलकुलेट कर सकते हो, 12% जीएसटी सॉरी 18% जीएसटी कितनी होगी बताओ 350,000 की मैम? 32040। 32040 ये कितना परसेंट था? 9% कितना परसेंट है ये बताओ मैम? 9% 9% टोटल करो 64080। टोटल अमाउंट ऑफ इनवॉइस हो गया देखो आपको क्वेश्चन में बोल रहे हैं एक मैन्युफैक्चरर है यानी एक उत्पादक है ना,
क्या करते हैं 300 वॉशिंग मशीन का डील कर रहा है वो, पर मशीन कॉस्ट है देखो 13750 है ना, एक मशीन की कॉस्ट है 13750 ठीक। जो सप्लायर है वो एडिशनल चार्ज करता है 750 रुपए है ना, आफ्टर सेल सर्विस के मतलब विक्रय उपरांत वारंटी अवधि में मतलब रहता है ना, फ्री सर्विस वाला जो रहता है आफ्टर सेल सर्विस के अलग से चार्ज कर रहा है 750 रुपए। नेक्स्ट देखो, डिस्ट्रीब्यूटर अलाउ कर रहा है 6% का ट्रेड डिस्काउंट, टोटल फ्राइट है 16400 ठीक, और GST है 12%। बस इतना ही क्वेश्चन है, बताओ कैसे सॉल्व करेंगे इसको, पर्टिकुलर फिर अमाउंट का कॉलम बनाओ। देखो इसमें कितनी वॉशिंग मशीन है 300 और एक मशीन की कॉस्ट कितनी है 13750, तो वैल्यू ऑफ मशीन करो, करो ट्रांजैक्शन वैल्यू 41,25,000, 13750 इंटू 300 फिर नेक्स्ट देखो इसमें क्या करते हैं, डिस्काउंट दे तो चलो। हाँ क्या हुआ, क्या बोल रहे हो? हम इसमें 50 × 300 भी तो करेंगे ना। क्या बोल रहा है बेटा? सर्विस चार्ज जो है मैम। कहाँ है सर्विस चार्ज? ये 750। यस मैम। हाँ तो कर रही हूँ ना मैं, कहाँ मना की, कभी डिस्काउंट अगर पहले में दे देंगे तो क्या हो जाएगा, कुछ नहीं होगा, सब मेथड से करके करने की आदत डालो ना। यस मैम, यस मैम। तो कंफ्यूजन क्यों है, कंफ्यूजन मत रखो, कॉन्सेप्ट्स बस क्लियर रखो अपने। चलो लेस करो ट्रेड डिस्काउंट, वैसे भी ट्रेड डिस्काउंट तो अपन हमेशा वैल्यू पे देते हैं ना, जो टोटल करके आते हैं अपने, अपन उस पर कभी देते हैं कभी नहीं देते हैं, ठीक है। चलो 5% कितना, सॉरी 6% निकालो, 6% ट्रेड डिस्काउंट 247,500 फिर नेक्स्ट क्या करते हैं, माइनस करके आंसर लेके आओ। मैम 38,77,500। हाँ फिर क्या करते हैं, ऐड क्या, आफ्टर सेल सर्विस ऐड कर दो, कितना दिया है 750, फिर फ्राइट दिया है 16400, टोटल करो,
जीएसटी दो 12% से, कितना आ रहा है 12%, 494268, ठीक है। तो टोटल अमाउंट ऑफ इनवॉइस आएगा, फोर नाइन फोर टू सिक्स एट जी क्या बोल रहे थे बोलो। मैं अमाउंट बता रहा था। हाँ बोलो ना, वही तो बोल रही हूँ। 46 लाख में मत बताओ, सीधा ऐसे बताओ एकदम। 4613168 ठीक है। यस श्योर हो? क्योंकि उस समय सेम आंसर यहीं बता दिया था और मैंने उसको टाइप भी कर दिया था।